बीते साल की तरह इस साल भी मॉनसून की बारिश आम लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिमला के लोकल बस स्टैंड में सिंह सभा गुरुद्वारा के नजदीक भूस्खलन हुआ है। यहां एक नई पार्किंग बनाने का काम चल रहा था, इसी के चलते यहां भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की वजह से आधी सड़क मलबे में तब्दील हो गई, ऐसे में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई है। फिलहाल सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक का ही संचालन हो पा रहा है। शिमला शहर के बीचों बीच सिंह सभा गुरुद्वारा के नजदीक बने इसी लोकल बस स्टैंड से ही ढली, संजौली, पंथाघाटी, महली, न्यू शिमला, BCS, नवबहार और छोटा शिमला जैसे कई अन्य उपनगर पहुंचने के लिए बस मिलती है। इसके अलावा यहीं दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल भी है। सड़क धंसने के बाद पुलिस जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कल कोई रात को 8:30 बजे की घटना है और मैं तो उस टाइम घर में था, मुझे पता नहीं चला। एकदम ही नीचे ऐसे ब्लास्ट हुआ, पता चला कि यहाँ इतना शोर हुआ, मैं थोड़ी सी आया तो उस टाइम कभी ये गिर चुका था। यहाँ पर पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और पार्किंग का निर्माण कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर पता नहीं अचानक ये, मुझे नहीं लगता कि बरसात में शायद बंद किया हुआ था काम, ये एकदम क्यों तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी तो उसको बरसात में बंद किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ठेकेदार ने क्यों कार्य शुरू कर दिया। यहाँ 5:30 बजे जब आया तो 5:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी वाले 5:30 बजे के यहाँ पर पूरी टीम के साथ, यहाँ पूरे ऑफिसर्स के साथ लगे हुए। यहाँ पर नुकसान अभी जो मेन है तो इलेक्ट्रिसिटी का ही है, दूसरा हमारा जो है पानी की पाइप भी है, वो भी जो 3 इंच की पाइप है वो भी यहाँ टूट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पानी पहले छोड़ा नहीं है, मतलब पानी वालों ने इसको चेक भी नहीं किया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।